डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह का शनिवार को आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में अलग अलग पाठ्यक्रमों के 48,348 छात्रों को डिग्री दी गई। साथ ही स्नातक के 92 और एमटेक एमफार्मा और एमआर के 9 मेधावियों को स्वर्ण रजत और कांस्य पदक दिया गया, जबकि 81 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। साथ ही विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र रहे लोगों को विशिष्ट भूतपूर्व छात्र पुरस्कार दिया गया। वहीं बीटेक 31,309, बेफार्मा के 5,447, बीएचएमसीटी के 200, बीआर्क के 268, बीएफएडी के 57, बीडीएस के 19, एमबीए के 8,273, एमसीए के 2,571, एमबीए आईएनटी के 52, एमसीए आईएनटी के 40, पीएचडी के 81, बीवीओसी के 16 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मेधावियों का हौसला बढ़ाया। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत दीक्षा का अंत नहीं, बल्कि हर छात्र की जिंदगी में एक नई उड़ान है। राज्यपाल ने इस दौरान डिग्री पाए भावी इंजीनियर छात्रों से अपील करते हुए कहा कि जो भी तकनीक विकसित करे वह आम आदमी तक पहुंच में होनी चाहिए, जिससे उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आज बेटियां भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में पीछे नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड के अध्यक्ष पंकज आर पटेल ने छात्रों को संबोधित किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा सुभाष चंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रगति की ओर है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। एकेटीयू का आज 20वां दीक्षांत समारोह है। इस दौरान कई छात्रों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। पीछे हमारे कार्यक्रम भी हो रहा है, हम मेधावियों से बातचीत करेंगे। यूनिवर्सिटी फील्स प्राइड टू रन फॉर दिस अवार्ड। योर एफर्ट्स हैव ब्रॉट डिस्टिंक्शन टू योर अल्मा मेटर। माननीय सभाधिपति महोदया से अनुरोध करता हूँ कि वे इस वर्ष का विशिष्ट युवा छात्र पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। I received a bronze medal for Bachelor's of Architecture from Abdul Kalam Technical University. So, my name is Anurag. I have been awarded silver medal. I am from HRIT Ghaziabad, and today I have got my degree in my bachelor's in hotel management. मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं PSIT कानपुर का छात्र हूँ और मुझे यहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है और इस टाइम मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट नाइपर में रायबरेली में अध्ययनरत हूँ। मेरा नाम भावना पांडे है एंड मैंने 2013 में PhD स्टार्ट की थी और मेरी अब 2022 में कंप्लीट हुई है। मैंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज देखी बट फिर भी मैं लगी रही और लास्ट में मैंने डिग्री मुझे मिल गई। आज मैं बहुत खुश। Good afternoon, my name is Neha Venkateshwaran. I received silver medal for Bachelor's in Architecture from AKTU Abdul Kalam Technical University. I am from Sundardeep College of Architecture. मैंने अपना BTEC नित्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद से किया है। मुझे अपने क्षेत्र में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं AKTU को धन्यवाद और अपने कॉलेज का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरे कॉलेज का नाम बैचलर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है और मुझे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच से सिल्वर मेडलिस्ट मिला। और MIT कॉलेज से मैंने BTEC इन केमिकल इंजीनियरिंग सिल्वर मेडलिस्ट। सिल्वर मेडल मैंने द्वितीय रैंक AKTU यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया है एमटेक में फर्स्ट रैंक आने पर, और मैं इसे पाकर बहुत ही खुश हूँ। और ये मेडल मैं रहने वाली बेसिकली मटिहानी नारायण गोपालगंज से हूँ बिहार, और मैं यहाँ पर लखनऊ में मेडल लेने आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशल थैंक कहना चाहती हूँ अपने माता पिता को, अपने छोटे भाई को मिथुन शर्मा, और हमारे गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, हमारे जो मैनेजमेंट के कॉलेज हैं उनको। धन्यवाद।